कनाडा में मोहम्मद रिजवान ने तूफानी बैटिंग से दिल जीत ली है। जी हाँ दोस्तों, लगातार 50 और क्राउड को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया मोहम्मद रिजवान की दबाव और बैटिंग ने। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेलने के बाद 22 घंटों के अंदर अंदर वो कनाडा जा पहुँचे और वहाँ पहुँचते सार सबसे पहले उन्होंने मैच खेलते ही उसके अंदर 50 स्कोर कर दी और फिर उसके साथ ही अगले मैच में 74 रन की तूफानी इनिंग खेली। एक हाथ से बैट कर ऊँचे ऊँचे छक्के लगाए और बाउंड्री के हर पार छक्के लगाए और इस वक्त वो इस कनाडा में होने वाली इस लीग के अंदर टॉप वन स्कोरर चल रहे हैं और दोनों पहले मैचेस में 50 स्कोर कर चुके हैं और ये पहले बैट्समैन बन चुके हैं जो कि इस लीग में लगातार 250 स्कोर कर चुके हैं। मोहम्मद रिजवान की जिस तरह की ये फॉर्म चल रही है तो वो तो यही लग रहा है कि वो इस टूर्नामेंट के एंड तक टॉप रन स्कोरर ही रहेंगे। मोहम्मद रिजवान के अंदर जो छक्का मारने की सलाहियत है वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो अपने हाथों से कलाई घुमाते हैं।